हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूँ। देखिए दोस्तों, जो 62,907 वैकेंसी है रेलवे की तरफ से जारी की गई थी ग्रुप डी की, उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है और मैं आपको इसमें डिटेल में सब कुछ बताऊंगा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में है। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, पर इसमें आपको एक एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो जो भी मेरे दोस्त अभी तक हमारे चैनल के साथ में नहीं जुड़ा है, तो नीचे जो आपको रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा होगा उसको दबा करके बेल आइकन को ऑन कर ले दोस्त, ताकि जो भी हम इसकी प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियो अपलोड करेंगे तो वो आप तक पहुँच सके। क्योंकि देखो वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, 62,000 प्लस वैकेंसी है, तो आपका सिलेक्शन श्योर है अगर आप प्रिपरेशन कर लेते हैं। ठीक है, प्रिपरेशन कराना मेरा काम है, आपको पढ़ाई करना है कंटिन्यूअसली। अगर मेरे चैनल के साथ में आप जुड़े रहते हैं तो मैं गारंटी के साथ में बोल सकता हूँ कि आपका सिलेक्शन 2018 में ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है और प्लस हम प्रिपरेशन अच्छे से करेंगे। ठीक है, इसका सिलेबस भी मैं आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो में, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और प्लीज़ हो सके तो लाइक करिएगा और हर एक अपने दोस्त को भी शेयर करिएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं स्टार्टिंग डेट की, 10/2/2018 से अंतिम तारीख 12/3/2018। देखो किसी भी फॉर्म की अंतिम तारीख तक का वेट कभी नहीं करना चाहिए, अगर फॉर्म निकला है तो उसको तभी भर देना चाहिए। ठीक है, तो हम पॉइंट वाइज सभी में बात करेंगे, ये पहले दो तीन पॉइंट कोई ज़्यादा खास नहीं है। ठीक है, और आपका जो फोर्थ फिफ्थ पॉइंट है इसमें वेतन की बात कर लेते हैं, 18,000 इसमें वेतन है। और एज की बात करें तो 18 से 31, ये जनरल वालों के लिए। मैं अभी एज का पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ वीडियो में आगे चल के, कि आपकी SC ST और सभी के लिए एज का क्या कोटा रहेगा, क्योंकि अभी तक सभी दोस्त पूछ रहे थे कि एज क्या रहेगी अलग अलग उसके लिए। तो बात करी जाए तो परीक्षा के आपके चरण क्या रहेंगे, कंप्यूटर आधारित परीक्षा रहेगी आपकी, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होगी, और जिसमें कि आपकी पहले कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होगी, फिर उसके बाद आपका फिजिकल होगा। ठीक है, निगेटिव मार्किंग भी होगी, 1/3 की इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। और आपका नेक्स्ट पॉइंट है 9 पॉइंट में क्या दे रखा है, ये नॉर्मल पॉइंट है आपका, कि आपके पास ब्लूटूथ मोबाइल फ़ोन, जब आप ये चीज़ें आप एग्ज़ाम हॉल में नहीं ले जा सकते हैं। उम्मीदवारों को उन्हीं के हित में परीक्षा स्थल पर मोबाइल फ़ोन से ही संबंधित, ये भी आपका नॉर्मल पॉइंट है, मतलब वही है। रेलवे बोर्ड द्वारा भर्ती की प्रक्रिया पूरी होने का चूक भर्ती में संबंधित प्रत्येक सूचना एवं केवल SMS अथवा ईमेल, यानी कि आपके पास जो ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर आप फॉर्म भरते टाइम डालेंगे वो आपके पास एंड तक रहना चाहिए। तो ये सब तो बातें बेसिक हैं आपकी, ठीक है, हर फॉर्म के लिए होती है। अभी आपका देखिए इसमें इन्होंने बता दिया है कि अगर आपके माता पिता का नाम आपने जो डाला है, जो आपकी 10th 12th के मार्कशीट में है, वो ही डालना। अगर आप उससे अलग अपना माता पिता के नाम में जरा भी गलती करते हैं तो फॉर्म को रिजेक्ट कर देंगे। कोई भी कैंडिडेट एक दो साइट से, यानी कि दो जगह से फॉर्म ना भरे तब भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो जैसे किसी ने पहले किसी दूसरे रीजन से फॉर्म भर दिया और फिर दोबारा से मान लो फिर वेस्ट बंगाल से भर दिया और फिर एक बार यहाँ से नॉर्थ ईस्ट से भर दिया या कहीं से भी भर दिया, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरी बात बात कर लेते हैं वैकेंसीज़ की, तो कहाँ पे कितनी वैकेंसी है। तो आपका अहमदाबाद रीजन में जो है यहाँ पे आपकी 6,000 के प्लस वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, ये तो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा, आप वीडियो को पॉज करके जो आपका रीजन बैठ रहा है आप उसे देखिएगा। ठीक है, ज़्यादा लंबी और ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, मैं आपको इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो ये वैकेंसीज देखनी है तो वीडियो को पॉज करिएगा और ये वैकेंसी देख लीजिएगा। तो आपकी ये हो गई आपकी मेन चीज़। एक ये भी है कि अगर आपका कोई चिकित्सा से रिलेटेड आँखों का ये का मतलब किस तरीके से आपकी कितनी दृष्टि होनी चाहिए, ये सब कुछ अगर किसी के प्रॉब्लम है आँखों में तो वो भी ये इन सभी चीज़ों को क्वालिफाई करना चाहिए, अदरवाइज़ आप भी डिसक्वालिफ हो जाएंगे एंड में आकर के। तो ये अभी आप ज़रूर देख के जाइएगा। ये बेसिक है आपका कि भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, नेपाल का अगर कोई है तो उसका मूल निवास होना चाहिए, भूटान का है तो वो भी मूल निवास होना चाहिए, तिब्बत और ये सभी के लिए अगर कोई है तो दोस्त हमारे साथ में जुड़ा हुआ है तो वो ये चीज़ पढ़ सकता है। देखिए
जो ये है 33 पेज का आपका नोटिस है, इसे मैं सोच रहा हूँ कि आपको पूरा नोटिस पढ़ा दूँ और उसमें सिर्फ जो मेन मेन चीज़ है वो बता दूँ। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आपका 5 साल का छूट है, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 3 वर्ष का छूट है, दिव्यांग और PWD वालों के लिए सामान्य के लिए 10 वर्ष का है, और दिव्यांग व्यक्ति जो गैर क्रीमी लेयर वाले हैं उनके लिए 13 वर्ष का है। दिव्यांग व्यक्ति अनुसूचित जनजाति वालों के लिए 15 वर्ष की छूट है, ठीक है। और यह आपका हो गया, जम्मू कश्मीर वालों के लिए 5 साल की छूट हो गई। अगर कोई रेलवे में कर्मचारी है और वो अन्य सामान्य वर्ग से है तो 40 तक भर सकता है, अन्य पिछड़े वर्ग से है तो 43 तक भर सकता है, और अनुसूचित जनजातियों से है और अनुसूचित जनजाति से है तो वो 45 वर्ष तक भर सकता है। दोस्तों और बात कर लेते हैं इसमें आपकी, अन्य पिछड़ा वर्ग इसमें जो है, जो विधि विधवा जो कोई विधवा है और वो अन्य पिछड़ा वर्ग से है यानी कि सामान्य वर्ग से, आपका 35 वर्ष तक भर सकती है, अन्य पिछड़ा वर्ग से 38 वर्ष तक, अनुसूचित जनजातियों से है तो आपका 40 वर्ष तक भर सकती है। तो अगर एक ये हो गया आपका, उम्मीदवार जिसने 25 वर्ष आयु से पहले अप्रेंटिस अधिनियम के तहत एक्ट अप्रेंटिस का कोर्स किया है तो उसे भी छूट है, जिसमें 35, 38 और 40 आपका सामान्य OBC और SC ST वालों के लिए, ठीक है। आशा करता हूँ ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। देखो इसमें भी दिया है इन्होंने 18 से 31 आपकी आयु समूह है, जिसमें आपका क्रीमी लेयर के लिए, इन सब के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए कब से आपकी आयु स्टार्ट होने वाली है, मतलब कब तक आपका ये आप देख सकते हैं, ठीक है, कहाँ से ली गई है, मतलब जिस जिस तारीख से एज मान्य होगी। तो अगर आप, ये भी क्वेश्चन है आपका कि कब से मान्य होगी एज, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी के ये दी हुई है। तो बाकी अभी देखो नोटिफिकेशन में और क्या क्या है आपकी शैक्षिक योग्यता में, जो इसमें है इसमें दे रखा है कि अगर आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई है और आप आपकी जो योग्यता है वो कंप्लीट नहीं हुई है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ठीक है। अभी तक जो था उसमें जो नोटिस जारी हो रखा था उसमें था कि अगर आपकी रिजल्ट आना बाकी है तो आप भर सकते हैं, पर जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें ये नहीं है कि अगर आपका जो मार्कशीट है, अगर आपने एग्ज़ाम दे दी और मार्कशीट नहीं मिली है तो आप इसको नहीं भर सकते हैं। फीस की बात की जाए तो आपकी 500 रुपये फीस है सभी जनरल वालों के लिए, और OBC अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए सभी के लिए 250 रुपये फीस रखी गई है। दोस्तों ये रात को अभी जो आया था नोटिफिकेशन, तो इसलिए मैं अभी इसको बना रहा हूँ, रात को बहुत लेट हो चुका हूँ मैं आज। तो इसमें आपको यहाँ पे देखा है तो इसमें कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, ठीक है, बहुत लंबा ये नोटिफिकेशन है तो इसमें मैं सोच रहा हूँ आपको पूरा कवर करा दूँ। इसमें ये भी सब बेसिक है, इसमें इसमें कोई ज़्यादा वो है नहीं, ये ज़्यादातर इसमें ऊपर जो दे रखा है सब कुछ ये आपका मतलब OBC और SC ST वालों के लिए दे रखा है, कैसे कैसे छूट मिलती है तो वो मैंने आपको बता ही दिया कुछ ही उसमें। अब बात कर लेते हैं पेपर के बारे में। पेपर होगा आपका 90 मिनट का, जिसमें 100 पर्सन आएंगे, ठीक है। 40 इसमें क्या होगा कि इसमें जो क्वालिफाई मार्क्स रखे गए हैं जनरल वाले के लिए 40 और 30% रखे गए हैं OBC वालों के लिए, और 30% अनुसूचित जाति और मतलब SC ST वालों के लिए 30-30% रखे गए हैं। देखो आपका सिलेबस इसका बहुत कम है, ये बस इसका सिलेबस है, देखो गणित का, सामान्य बुद्धि का और सामान्य विज्ञान का, ठीक है, और आपका करंट अफेयर का, ये आपके 4 पॉइंट हैं सिर्फ इसमें जो आने वाले हैं, तो बहुत कम सिलेबस है इसका। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है, इसमें बिल्कुल 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और जिसमें से मैं मैथ का कोर्स मैं आपका गारंटी लेता हूँ कि इसको बिल्कुल अच्छे से कवर करा दूंगा ट्रिक के साथ में, कभी नहीं भूलोगे। अगर एक बार ये सारा कोर्स मेरा पढ़ाया हुआ एक बार आपने देख ली ना सारी वीडियो, तो कभी नहीं भूलोगे। अभी मैं इसमें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो दे दूंगा, आप उसको पढ़ लेना, उससे देख लेना, अगर आप उससे उससे समझते हो वो सभी वीडियो में, अगर आपकी समझ में आता है तो आप चैनल के साथ में जुड़ जाना, अदरवाइज़ अपनी मर्जी है आपकी, देख लेना कि चैनल के साथ में आपको जुड़ना है या नहीं जुड़ना है। मैं आपका कुछ हेल्प करना चाहता हूँ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो,
ठीक है, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा अगर आप चहल के साथ में जुड़ते हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल चैप्टर वाइज आपको कराऊंगा। बात कर लेते हैं आपकी फिजिकल की, 35 किलो वजन आपको उठा के दौड़ना होगा 100 मीटर तक पुरुष को, सॉरी, और 1000 मीटर की दूरी 4 मिनट 15 सेकंड में पूरी करनी होगी। यानी कि पुरुषों के लिए 35 किलो वजन उठा के एक तो 100 मीटर भागना है और 1000 मीटर आपको भागना है 4 मिनट 15 सेकंड में। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं है फिजिकल इसमें जो है ये 35 किलो वजन वाला, तो मुझे लगा है कि 35 किलो वजन उठा के 100 मीटर तक भागना है, बाकी 1000 मीटर आप 4 मिनट 4 मिनट 15 सेकंड में भाग सकते हैं, ये ज़्यादा हार्ड नहीं है। और आपका 20 किलो वजन महिलाओं को उठा के भागना है 100 मीटर तक, ठीक है, और 1000 मीटर भागना है महिलाओं को 5 मिनट 40 सेकंड में। ठीक है दोस्तों, तो यही था इसमें पूरा मैंने पढ़ लिया है नीचे, इसमें कोई और खास नीचे देन रखा। हाँ, एक ये है आपका कि जो आप फोटो बनाएंगे उसके आप 40x50 की KB की उसमें ही होने चाहिए फ़ोटो, ज़्यादा मतलब बड़े नहीं होने चाहिए। और आपके पास जो फ़ोटो बनाएंगे आप, फ़ोटो बनवाएंगे उसकी फ़ोटो कॉपी आपके 20 कम से कम आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, 20 से 25 फ़ोटो उसके आपके पास होने चाहिए, ये भी इसमें बोला गया है। और बाकी इसमें नीचे मुझे कोई ख़ास इसमें लगा नहीं, ठीक है, ये तो सब इन्होंने और सब कुछ दे रखी है छूट की और ये सब कुछ, इसमें और बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, ये पूरा 33 पेज का मैं पढ़ चुका हूँ और जिसमें इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा, ताकि मैं आपके लिए प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियो कल से ही स्टार्ट कर दूँ। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।